किया है। ये तो सर्कल है, इसके ऊपर पेपर चिपका दिया है, उसके बाद लेमन येलो हमने यूज किया है। अब इसके बाद हम लोग ऑरेंज कलर निकाल लेंगे। ऑरेंज कलर अब ऑरेंज लेंगे। ऑरेंज लगाना स्टार्ट करेंगे, येलो और ऑरेंज को मिक्स करते हुए चारों तरफ। पूरा लास्ट तक हमने ऑरेंज कर दिया है। थोड़ा फ्लैट ब्रश यूज करना है इसके लिए। फ्लैट ब्रश यूज करने से अप्लाई जल्दी होगा और मिक्सिंग भी अच्छे से होगा, और राउंड सेवल हेयर ब्रश यूज करेंगे तो वो थोड़ा मिक्सिंग में टाइम लेगा। और फ्लैट ब्रश से इस तरह की ड्राइंग्स में फ्लैट ब्रश यूज करना इजी रहता है। तो इस तरह से ऑरेंज कलर पहले हमने इधर लगा दिया है, अब थोड़ा सा येलो के साथ मिक्सिंग करेंगे। ब्रश साफ कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे ब्रश को, और हल्का सा ये लेमन येलो जो हमने यूज किया था उसी को वापस लेना है हल्का सा मिक्सिंग के लिए, ताकि ये रेड और ये ऑरेंज और येलो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसमें ये ब्रश को साफ करके हम लोग लेमन येलो लेंगे ब्रश में और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से वो स्ट्रोक चलाएंगे इस तरह से उस साइड में से। इस तरह से मिक्सिंग कर देंगे, तो लेमन येलो और उसके बाद ऑरेंज। और थोड़ा सा लेमन येलो लेंगे हल्का सा, पानी की क्वांटिटी कम रहेगी मिक्सिंग के लिए, बहुत कम क्वांटिटी रखेंगे, कलर थोड़ा थिक यूज करेंगे। चलो ये अप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हमने दो कलर यूज किए हैं इसमें, लेमन येलो ऑरेंज, अब क्रिम्सन रेड। जो रेड होता है फास्ट रेड होता है, एक तो प्राइमरी रेड जिसे बोल सकते हैं, इसके अलावा एक और रेड होता है क्रिम्सन। तो हम लोग क्रिम्सन यूज कर सकते हैं, पोस्टर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं अभी इसमें क्रिम्सन रेड यूज कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर क्रिम्सन रेड नहीं है तो आप लोग प्राइमरी रेड यूज कर सकते हैं फॉर दिस पेंटिंग। तो मैंने अब क्रिम्सन निकाल लिया है, अब क्रिम्सन यूज कर रहा हूँ मैं ऊपर से इस तरह से चारों तरफ इस तरह से यूज करेंगे। पानी की क्वांटिटी मैंने पहले ही बताया कम रहेंगी इस तरह से। नीचे लाइट रहेगा रेड तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ अभी एक और फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ब्रिज ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ लाइट करेंगे तब भी चलेगा। अब इस रेड को भी येलो के साथ हम लोग मिक्स कर देंगे, बिल्कुल एक भी स्ट्रोक्स नजर नहीं आना चाहिए, मिक्सिंग वर्क करना है बिल्कुल। तो ब्रश को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, बिल्कुल साफ, और इसको मिक्स कर देंगे।
थोड़ा येलो का मुझे सेट टेक्सचर कम लग रहा है, मैं थोड़ा येलो का मिक्स करके अभी और इसके चारों तरफ मैं शेडिंग दूंगा ताकि शेडिंग जो है दिखे अच्छे से। ये येलो वापस मैंने लगाया है ताकि फ्लैट ब्रश से जितने भी स्ट्रोक्स हैं सबको मिक्स कर देंगे बिल्कुल, कहीं पर भी स्ट्रोक्स ज्यादा नजर नहीं आने चाहिए, जो मिक्सिंग वर्क बिल्कुल दिखना चाहिए। जब फ्लैट ब्रश का यूज करते हैं तभी देखो, अब मैं जब यूज कर रहा हूँ ब्रश को एक ही इस वे में यूज कर रहा हूँ, इसी वे में इस तरह से ऐसे यूज नहीं कर रहा हूँ। तो कभी भी फ्लैट ब्रश का यूज करते हैं या कभी भी ड्राइंग्स में यूज करते हैं कलर्स को अप्लाई करते टाइम ब्रश को एक ही वे में चलाते हैं, कभी भी ऐसे ऐसे नहीं चलाएंगे, एक ही वे में हम लोग चलाते रहेंगे। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ये पेपर मैंने रिमूव कर दिया है। अब सर्कल पे कुछ कुछ कलर चला गया है, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाने दीजिए, चारों तरफ गीला है जहां तक हम लोग दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, और नीचे का जो ग्राउंड है उसको पहले तैयार कर लेते हैं, नीचे वाला पार्ट, ताकि ये कलर सूख जाए, और सूखने के बाद हम लोग यहाँ पर व्हाइट का मिक्स करके और ये जो मून है इसको सही कर देंगे। नहीं तो यहाँ अगर हम अभी यूज करेंगे तो ये पूरा रेड इसको ऑब्जर्व कर लेगा व्हाइट को, और हमारा अंदर का जो व्हाइट हम जो थीम देना चाहते हैं वो खत्म हो जाएगी। तो पहले जहाँ तक ये सूखता है ड्राई होता है तब तक हम नीचे का पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो नीचे के पार्ट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्लैक कलर, तो सभी ब्लैक कलर हम निकाल लेंगे। तो ब्लैक कलर ये याद रखें, नीचे का भी सूखना जरूरी है, मेरा अभी तक सूख गया है, ड्राई हो गया है, इसलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हल्का सा लाइट सा व्हीप है बाकी ड्राई है, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में हम लोग यहाँ पर गैप रखेंगे थोड़ा सा, ये पार्ट हो गया। अब पूरा इसको ब्लैक कर देंगे, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से ये ब्लैक हो गया। अब इसके पिलर्स कुछ हम बनाएंगे, तो 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, जो भी ब्रश हो राउंड ब्रश वो यूज करेंगे इसके लिए। और इस तरह से एक पिलर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये पिलर यहाँ हो गया, एक पिलर यहाँ हो गया, और इस पिलर को ऐसे पीछे से टाई कर दिया है इस तरह से।
ब्रिज का ड्रॉ मैंने बोला, उसका ड्राइंग का टॉपिक भी मैंने लिखा है ब्रिज सीनरी। तो ब्रिज सीनरी के लिए ब्रिज ड्रॉ कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो पिलर है, नीचे के पार्ट से दोनों पिलर से ऐसे झूलते हुए, स्ट्रेट नहीं थोड़ा झूलते हुए, इस तरह से एक पिलर बनाया। ये वाला पार्ट भी झूलते हुए एक नंबर या दो नंबर ब्रश से। अब इसके ऊपर हम लोग और भी पिलर्स बनाएंगे। और अभी यहाँ कुछ ट्रीज हम बना रहे हैं, एक ट्री ऐसे। एक ट्री यहाँ बनाएंगे। थ्री ट्रीज यहाँ है, वन टू और थ्री। ये याद रखिए, इसका जो स्टम बनाएंगे ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होता जाएगा। अब यहाँ पर इनकी लीफ ब्लैक कलर में, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव भी होना। सेम लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भी होगा। वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर भी वन टू थ्री फोर फाइव। अब इनके ऊपर लीफ्स बनाएंगे, वो कैसे बनेंगे जल्दी। इस तरह से दोनों साइड से ये इस तरह से ब्लैक ब्रश का यूज करते हुए एक नंबर दो नंबर ब्रश से इस तरह से लीफ बना दिया है। केयरफुली देखो, इसमें पहले वाले जो कलर्स है उनका ड्राई होना जरूरी है, अदरवाइज कलर ऑब्जर्व करता है एक दूसरे पर और फैल जाता है, हमारी ड्राइंग्स जो है खराब हो जाती है। इसलिए पहले वाला जो कलर मैंने जो किया था बैकग्राउंड में, ये ऑरेंज येलो वाला रेड वाला, वो ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। इसलिए मैंने बोला था कि पानी की क्वांटिटी हमें कम रखनी है, इसलिए वो जल्दी ड्राई हो गया है। सेम लाइक दिस सभी को हम लोग लिफ्ट को बना देंगे आराम से। ये लिफ्ट बनाने में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जो सेफ है बनावट है वो बिगड़ जाएगी। केयरफुली बनाना है लीफ को भी। जो मैंने लाइंस डाली थी वहीं से हमें नीचे की तरफ दोनों तरफ से कलर को लेना है, उल्टा नहीं लेना है। लाइंस से जो लाइंस मैंने डाली है उन्हीं के
दोनों साइड से। इस तरह से दोनों आर्ट की भी अटेंडेंस ली जाएगी, इसलिए पूरी क्लासेस को ऑब्जर्व करना है, सब देखना है। मैं अटेंडेंस लूंगा लास्ट में। ये हो गया। तो ब्रश को इस तरह से चलाना है, बिल्कुल एक ही वे में चलाना है। ये हमारी लीफ जो है लगभग ऑलमोस्ट एक ट्री बचा है। के बाद फिर हम लोग एक फिगर इसमें ड्रॉ करेंगे। मून को भी हमें रेडी करना है, अभी रन कंप्लीट है। क्योंकि हम लोग अगर अगर पेपर यूज नहीं कर रहे हैं तो भी कलर तो जाना ही है उसके ऊपर, मून के ऊपर, इसलिए उसको भी हम लोग व्हाइट कलर का यूज करते हुए तो फाइनल टचिंग देंगे। तो ये सर एक हो गया, अब लास्ट ट्री है। लास्ट भी हो गया है। यहाँ पर हम लोग कुछ शेड देंगे, इस जगह हल्का सा रेड और हल्का सा ब्लैक। शेडिंग देंगे थोड़ा सा, ब्रश बिल्कुल साफ कर लिया, थोड़ा सा रेड और ब्लैक मिक्स करके शेडिंग देंगे। अब मैं मून मून को फाइनल कर लेते हैं। व्हाइट कलर निकाल रहा हूँ मैं, और व्हाइट कलर का यूज करते हुए बिल्कुल पानी नहीं लेना है, व्हाइट कलर ले लेंगे बिल्कुल अच्छे से, जाड़ा ज़्यादा थिक पतला, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वापस हमारा शेडिंग को बिगाड़ेगा। तो इसकी आउटलाइन अच्छे से करेंगे, व्हाइट कलर का यूज लेते व्हाइट पोस्टर कलर। सर्कल को अच्छे से करना है।
ईजल पे हम लोग, अभी ईजल है, ईजल को पर मैं बना के रख रहा हूँ, तो कभी अगर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए सांस रोकना पड़ता है, ब्रिज जो है ब्रिज को रोकना पड़ता है, नहीं तो हाथ लड़खड़ाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस समय जब कैनवास पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि कैनवास पे आपका बैलेंस बनना जरूरी है, कोई भी फिगर बना रहे हैं ना, ये पेड़ का जो मैंने स्टंप ट्राई किया ड्रॉ किया, लाइंस ड्रॉ करी, स्ट्रेट जाना चाहिए अपना, जो सेफ है उसके जाना चाहिए। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के होल्ड करते हैं अपनी ब्रिज को, इससे क्या हाथ लड़खड़ाता नहीं है। बंदर पूरा अवॉइड कर देते हैं। ब्रश बिल्कुल साफ होना चाहिए। कलर बिल्कुल थिक, ज्यादा लिक्विड रहने से क्या होगा, फैल जाएगा। बिल्कुल क्लीन वाइट वाइट होना चाहिए। चलिए ये हो गया है। अब यहाँ पर एक फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ब्लैक भी अच्छे से डार्क रहना चाहिए, ज्यादा लाइट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब फिगर का नंबर है, कोई भी एक फिगर जो आप बना सके, यहाँ पर कोई भी मेल फीमेल का फिगर हो, बच्चे का फिगर हो, वो आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आर्यन विजयवर्गीय, व्हाट आर यू ट्राइंग, व्हाट आर ट्राइंग, सर अभिभवन विशुल फालतू ही बोले जा रहे हैं मेरे कब से। हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहा सर था, मैं आर्यन विशुल, जो या विशुल और ये एक अभिभवन, चीज, तुम्हारा कंप्लेन होने वाला है आज, योर लैंग्वेज नॉट, अब तुम्हार लैंग्वेज सर अच्छी देख नहीं लो है, कोई यू आर चैट नॉट, बॉक्स। नो नो, योर लैंग्वेज इज नॉट गुड। एक तो विशुल खींची, विशुल खींची, तुमने आर्यन विजयवर्गीय को फालतू बात किया है, अभी तुम्हारी कंप्लेन हो गई। सर अभिनव प्रताप सिंह ऑल्सो, अभी अभिभव, यस अभिभव, तुमने सोचा कि चैटिंग को कोई भी देख रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर यू अभिभव। यस वीडियो इज रिकॉर्डेड, अभिभव एंड विशुल की यू आर, बोथ ऑफ यू आर डिस्टर्बिंग दिस क्लास, यस बहुत, चैटिंग सारा देख रहा हूँ मैं अभी, तुम्हारा पूरा चैट देख लिया है। रितेश आल्सो सम इज आल्सो राइटिंग सम ट्विटर के साथ, ओके रितेश आल्सो विशुल फिजी एंड अभिभव, पूरा चैट मैंने देख लिया है अभी, ठीक है। सर हाँ कौन कौन बोल रहे हैं, सर मून पे थोड़े से ग्रे स्पॉट्स भी बना दो और रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है अभी देखते हैं।
सर ब्लैक कलर बहुत मोटा चल रहा है। एक नंबर ब्रश यूज करो बेटा, एक नंबर ब्रश या दो नंबर ब्रश जिसका पॉइंट बिल्कुल जीरो बन जाए। इसको हम लोग पानी में लेकर के ब्रश को बिल्कुल ऐसे राउंड शेप देंगे तो उसका पॉइंट जीरो बनना चाहिए, जीरो नंबर बिल्कुल। तो एक नंबर का ब्रश हो या दो नंबर का ब्रश, उसका पॉइंट पॉइंट बनना चाहिए बारीक टॉप पे, बिल्कुल ऊपर जो है उसका पॉइंट जीरो बनना चाहिए। अगर ब्रश फैला हुआ है तो तुम्हारा ड्रॉइंग नहीं बन पाएगी अच्छे से। तो आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे फिगर बनाना। ब्लैक कलर से ही फिगर बनेगा, कोई भी जो फिगर्स है पहले पेंसिल से ड्रॉ, सब कुछ ड्रॉ होने ड्राई होने के बाद ब्लैक पेंसिल जो है 10B का उससे भी तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज कलर का भी यूज कर सकते हो, पर ड्राई होने के बाद पेंसिल का यूज करेंगे। लेकिन मैं अभी कलर ब्रश से ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा कलर हल्का सा गीला है, ड्राई नहीं हुआ है, बट मैं अभी इस पे ही एक तो यहाँ बर्ड हम लोग ये ड्रॉ कर दिया बर्ड को, अब मैं यहाँ फिगर ऐड कर रहा हूँ। ये केप तो एक डन है जो मैंने ड्रॉ की है, आप और भी फिगर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बहुत मैं बहुत सारे बर्ड्स यूज कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। ये बहुत सारे बर्ड्स, अब इससे हम लोग व्हाइट टेक्सचर्स व्हाइट कलर का यूज करते हुए कुछ डॉट्स हम लोग देंगे टेक्सचर के लिए। इट इज टेक्सचर, तो बिल्कुल जाड़ा लेना है कलर को, थिक लेना है, और बहुत सारे डॉट्स हम लोग गोल गोल डॉट्स बनाने। इस तरह से बहुत सारे डॉट्स, वाइट वाला ये टेक्सचर है, आप स्टार्स भी बोल सकते हैं क्योंकि मून हमने दिया है। आर्ट में सब कुछ पॉसिबल है।
तो इस तरह से ओके 40 स्टूडेंट 40 गुड। मीटिंग रिकॉर्डेड है इसलिए सबको प्रेजेंट रहना जरूरी है और आर्ट वर्क जो असाइनमेंट है वो सबको कंप्लीट भी करना है टाइम टू टाइम। जिसका पहले वाला ड्यू है वो भी कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। तो ये हो गया लगभग हमारा फाइनल है लगभग। थोड़ा बहुत मैं इसमें जैसे यहाँ अभी ये मिक्स फिगर जो है ये ऐसा लग रहा है कि बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे ये जो पिलर है ऊपर जो मैंने बनाया है इसका इसका हल्का सा हम लोग टेक्सचर दे देंगे लाइट से, ऐसा लगेगा कि वो जो सन मून है उसकी लाइट हल्की सी है इनके पड़ रही है। तो मून लाइट का भी इफेक्ट होता है, हल्का हल्का सा लाइट टेक्सचर मैं सभी फिगर्स को दे रहा हूँ। अब मैं इसका जो है टेक्सचर ये जो माउंटिंग के लिए जो सेलो टेप मैंने लगाया था मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, फिर उसका फाइनल लुक नज़र आएगा कि वो किस तरह की बनी है। तो मैंने जो सेलो टेप लगाई हुई है ऑलरेडी मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। आराम से केयरफुली हटाएंगे मैं ड्राइंग भी, क्योंकि सेलो टेप ज़्यादा चिपक जाता है और फट भी जाती है ड्राइंग्स, तो इसलिए तो पहले किसी वुडन फ्रेम पर एक बार टेस्ट कर लो और उसके बाद उसको पेपर लगाना चाहिए इस पर। देखिए बच्चों तो इस तरह से पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी और सबको बनाना है। ओके ज्यादा कलर्स इसमें यूज नहीं किया है हमने, सबसे पहले लेमन येलो किया है, फिर ऑरेंज किया है, फिर क्रिम्सन रेड किया है। क्रिम्सन रेड नहीं है तो वी कैन यूज प्राइमरी रेड। ओके
वो यूज किया, तीनों कलर मैंने बता दिया है वन बाय वन, पहले लेमन येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इसके बाद अंदर मून जो है उसमें व्हाइट कलर, व्हाइट कलर यूज करके उसको शेप में दिया है, और कोई शेड मिक्सिंग नहीं करना है। लेकिन पहले मून बनाने के लिए पहले वो जो कलर्स सूखने दिया, पहले वाले जो कलर्स है, उसके बाद यहाँ तक हल्का सा ड्राई हो गया तो हमने ट्रीज बनाए ब्लैक कलर के थ्रू, ब्रिज बनाया, माउंटेन बनाई जिसमें ब्रिज है, और ब्रिज के नीचे शेड दिया थोड़ा सा ब्लैक में रेड मिला करके, बिल्कुल पानी जैसा लेना है उस जगह पर। हल्का सा ड्राई होने के बाद लाइटली का शेड दिया इस जगह पर, और मून लाइट का शो किया है ट्रीज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, थोड़ा यहाँ पर भी, तो वो लाइट शो किया है हाइलाइट्स। ठीक है, तो सबको ये जो ड्राइंग है कंप्लीट करनी है, और जब असाइनमेंट हम लोग सेंड करेंगे तो वो सबको कंप्लीट कर लेना है। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर सर ये कलर कौन से है? ये पोस्टर कलर्स है, नॉर्मल पोस्टर कलर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो पोस्टर कलर्स है। ओके सर। हाँ, ये नॉर्मल पोस्टर कलर्स जो हम लोग यूज करते हैं।